श्री सनातन धर्म रामलीला समिति हर साल की तरह इस साल भी नोएडा स्टेडियम में रामलीला का आयोजन करने जा रही है। समिति में कार्यक्रम संयोजक विपिन मलहन और महासचिव संजय बाली ने कहा कि इस बार 3 मंचों पर रामलीला का प्रसंग किया जाएगा। इसी तरह श्री राम मित्र मंडल सेक्टर 62 भी रामलीला का आयोजन कर रहा है। मंडल के अध्यक्ष के मुताबिक इस बार मंच सज्जा के साथ ही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले को बनाने में खास ध्यान दिया गया है। मंच संचालन जो कर रहे हैं अब के बार भजन गायक कुमार पंकज साहब कर रहे हैं और कुमार पंकज साहब मेरे दाई ओर बैठे हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पैसे से व्यवसायी हैं, इंडस्ट्री है इनकी नोएडा में पिछले 25 साल से और पिछले 30 साल से भजन गायक भी हैं। और अब की बार जैसे पिछले साल भी देखा होगा आप लोगों ने, सीताहरण का मंचन देखने वाला होगा। सेक्टर 46 में होने वाली रामलीला के बारे में श्री राम लखन धार्मिक लीला कमेटी में इस बार 2 मंजिला मंच बनाया जाएगा। कमेटी के महासचिव राघवेंद्र दुबे ने कहा कि रामलीला के माध्यम से सामाजिक समरसता का भी संदेश दिया जाएगा। जो जनरेशन अभी इससे दूर रही है, जिन्होंने संस्कारों से विहीन रही है, लोग उसको देखें और संस्कार सीखें, भगवान राम से सीखें, भरत जी से सीखें, हनुमान जी से सीखें कि भक्ति कैसे होती है, और इसी संदेश को लेकर के हम इस रामलीला को करने जा रहे हैं। इस बार आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में इस बार पहली रामलीला होगी। इस हाईटेक रामलीला को मोबाइल ऐप पर भी लाइव देख सकेंगे। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।